तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज के लेक्चर में क्वांटम फिजिक्स का सेकंड जो यूनिट है सेक्शन बी और द नेम ऑफ दैट यूनिट इज मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सो मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम अभी तक हम लोग वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम स्टडी कर रहे थे क्वांटम फिजिक्स में। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिसमें कि हम लोगों ने एग्जाम्पल कहते हैं कि हाइड्रोजन आइटम ऐसा है या फिर इवन हम हीलियम को कहते हैं कि हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं तो वन इलेक्ट्रॉन एटम कहा जा सकता है राइट। तो जिसमें कि सिंगल एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको हम वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम कह सकते हैं। और मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि उसमें मोर देन वन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट हो। तो अगर किसी सिस्टम में दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं तो फिर उसकी फिजिक्स क्या होगी क्वांटम मैकेनिकली राइट। क्वांटम मैकेनिकली हम उसको किस तरह से डील कर सकते हैं जो भी चीजें हमने प्रीवियस स्टडी कर रखे हैं उसको हम अब इमेजिन करें कि किस तरह से हम उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर हमें हमारे पास सिस्टम ऐसा मिल जाए जिसमें दो इलेक्ट्रॉन हो थ्री इलेक्ट्रॉन हो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो तो उसके बारे में हम कैसे क्या प्रोसेस कर रहे हैं। तो उन सब चीजों को पढ़ने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा हमें केमिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए राइट। नो डाउट फिजिक्स में कुछ मिक्सअप ही रहता है ना, सारे नॉलेज को कंबाइन करके एक्सप्लेन किया जाता है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री हमें क्या एक चीज पढ़ना है कि हमें थोड़ा सा ओवरऑल हमें मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में स्टडी करना है। तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम का मतलब है कि उस सिस्टम के इनसाइड में कई सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं यानी कि मोर देन टू पार्टिकल्स मेक अ सिस्टम है ना। किसी एक रूम में अगर दो स्टूडेंट्स बैठे हैं तो उसको हम सिस्टम कह सकते हैं उस रूम को। एक कॉलेज में बहुत सारे टीचर्स है तो उसको सिस्टम कह सकते हैं है ना, स्टूडेंट्स है तो वो इस तरह से हम सिस्टम को आप लोग स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में आपने पढ़ रखे हैं एंसेंबल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंसेंबल तो उसमें ये सब चीजें आपने बहुत डिटेल में पढ़ रखे हैं राइट। तो अभी आज के लेक्चर में हम लोग यही समझेंगे कि किस तरह से अगर किसी सिस्टम में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है दो इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको हम किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनकी एनर्जी स्टेट्स क्या होती हैं, क्या कहते हैं उनका। ऐसे मेरे ख्याल से ये आपने इंफॉर्मेशन पहले भी केमिस्ट्री में इवन फिजिक्स में प्लस वन प्लस टू के लेवल पर पढ़ रखे हैं बट एक बार हम रिकॉल कर ले रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को कि वो है क्या चीज है और बहुत ही सिंपल में राइट। तो वहाँ भी कंसंट्रेशन करके अगर नेक्स्ट 20 मिनट तक आप उसको समझिएगा उसमें प्रेजेंटेशन राइट। सो आज मैं अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिस्कस करने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्योंकि हमने बात की है कि मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ पर हम एटम्स की बात करेंगे क्योंकि क्वांटम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और एटॉमिक्स क्या है, एटम क्या है, एक तरह क्वांटम पार्टिकल है राइट। उसके अंदर भी फिर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात हो गई राइट। और उससे रिलेटेड जो फिजिक्स है उसको हम बात करते हैं राइट। सो सबसे पहले कि इसमें शेल क्या होता है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे और सब सेल क्या होता है राइट। ये दो टर्म हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और किस तरह से उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं ये सारे तो कहानी यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हम बेसिक चीजें पढ़ रखते हैं कि मटेरियल्स जो होते हैं मतलब मैटर होते हैं वो कितने टाइप्स के, फाइव टाइप्स के होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा मोल्डन स्टीम कंडेंसर पांच तरह के हमने पढ़ रखे हैं। तो हर एक जो ये मैटर है जो भी हमने पांच तरह को बताया उसमें एटम्स की बात हम कर सकते हैं यानी कि इंडिविजिबल हम पार्टिकल्स कह सकते हैं एटम्स इनिशियली कहते थे लेकिन अब तो उसके साइड में भी हम इंटर कर चुके हैं इवन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी हम उसके बेसिक स्ट्रक्चर को स्टडी कर चुके हैं आज के डेट में बट उतना हम डीप में नहीं अभी बॉदर कर रहे हैं डेफिनेशन में अभी जस्ट आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बेसिस हम बॉदर कर रहे हैं। तो हमें ये मालूम चल गया है कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस या लिक्विड सब्सटेंस वो किस चीज से मिलकर बना होगा, एटम से मिलकर बना होगा, मॉलिक्यूल साइंस से मिलकर बना होगा। तो जस्ट
तो ऐसा कुछ मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, उसका प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है। जो सॉलिड का आपको मालूम है कि वो सब्सटेंसेस इन विच एटम्स मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन प्रॉपर वे, राइट। उसी में दो तरह के हम सॉलिड्स की बात करते हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, राइट। तो फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हो जाती है। तो अब हम इस सब्सटेंस की एक किसी सिंगल एटम की हम बात करने लगे कि एक हमारे पास इस सब्सटेंस में से, क्योंकि हमें बहुत ही डीप में इसमें जाना है, मतलब मनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को स्टडी करना है, शेल और सर्कल को स्टडी करना है, किस तरह से उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किस तरह से उसका फिजिक्स है उसमें, ये सारी चीजें हमें बॉर्डर करना है, राइट। तो उस एटॉमिक सिस्टम को हमने एक यहाँ पर कंसिडर कर लिया। तो हमने रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ये भी पढ़ा कि एक सेंटर में कोर होता है, सेंटर होता है जहाँ पर एटॉमिक सिस्टम का सारा मास कंसंट्रेट होता है, राइट। ये पॉजिटिव रीजन है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, सेंट्रल कोर ऑफ द एटम, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, वेयर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एग्जिस्ट, राइट। उस सेंट्रल कोर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं, राइट। और ये भी हमने डिस्कस किए थे इवन बोहर एटॉमिक मॉडल में, कई सारे उसके पॉस्टुलेट्स डिस्कस किए थे कि उसके बाहर क्या होते हैं, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऑर्बिट होता है जिसको हम स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, राइट। स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं और उस स्टेशनरी ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और उस स्टेशनरी उसको हम स्टेशनरी ऑर्बिट तभी कहेंगे जब वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा एंगुलर मोमेंटम का, यानी कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन दैट मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h / 2π, राइट। देन दैट इलेक्ट्रॉन मे एग्जिस्ट इन दैट पार्टिकुलर स्टेशनरी ऑर्बिट। और साथ ही साथ ये भी हमने उसमें डिस्कस किए थे कि उस इलेक्ट्रॉन जो वहां रिवॉल्व कर रहा है उस एटॉमिक सिस्टम में ऑर्बिटल्स में, तो वो कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं करता है, राइट। ड्यूरिंग द मोशन इलेक्ट्रॉन कोई रेडिएशन एमिट नहीं करता है, बट there is a emission of energy when that electron jump from lower energy to higher energy, higher energy to lower energy, and absorb energy when it goes from lower energy to higher energy. तो ये concept हमने previous पढ़ रखे हैं कि किस तरह से वो energy emission या absorption होता है, right? तो इन जो atomic system में जो जिसके मैंने कह दिया कि ये first orbit है ना, ये first orbit अगर हमने n = 1 की बात की, फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम फर्स्ट ऑर्बिट की बात की, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें रिप्रेजेंट करता है कि कौन से सेल में शेल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है एटॉमिक सिस्टम में वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है। तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम 1, 2, 3, 4 इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो ऑर्बिट्स होगा दैट इज के एल एंड एम एंड एन, के एल एम एन। तो ये इन सारे ऑर्बिट्स को हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं, यानी कि इन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट। तो कहानी तो यही नहीं खत्म हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन को हमने एक ऑर्बिट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमने तो बहुत ज्यादा एडवांस में पढ़ रखे हैं कि नहीं, और तो ऑर्बिटल्स भी होते हैं, उसके सब सेल्स भी होते हैं, है ना, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के टाइम से हम पढ़ रखे हैं कि किस तरह से पार्टिकुलर सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होता है, कई सारे लॉज उसके लिए हमने पढ़ रखे हैं, राइट। तो डिफरेंट यहाँ पर जो भी ऑर्बिट्स है जिसको हम उस ऑर्बिट्स को जिसमें स्टेशनरी ऑर्बिट्स जिसको हम कहते हैं शेल, उस शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और कितने टाइप्स के शेल होते हैं, 4 टाइप्स के हम शेल में रिप्रेजेंट कर रखे हैं, राइट। तो और जो सब सेल्स होते हैं जो इनके इनसाइड में, दैट इज SPDF, राइट, SPDF, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, SPDF। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप सब सेल्स के बारे में इवन नाम सुन सकते हैं, राइट, और शेल के बारे में। तो ये सिस्टमैटिक आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि शेल का मीनिंग क्या हुआ, सब सेल का मीनिंग क्या हुआ, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट। तो यहाँ पर मैं ये मार्क
कुछ भी यहाँ पर रीट आउट नहीं कर रहा हूँ। ये इस प्रेडिक्ट टेबल से आप यहाँ से जो टेबल बना रखा है इससे हम इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है स्मॉल एन, राइट, उसकी वैल्यू ये 1, 2, 3, 4 रिप्रेजेंटेड है। नेक्स्ट पेज पे आपको इसका टेबल है शेल के एल एम एन, राइट, और ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक ऑर्बिटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर हो गया एल, राइट, और ये सब शेल एस, ये फर्स्ट वाले के लिए मतलब सारे शेल के लिए उसका सब शेल एस पी बी एफ होगा। दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पार्टिकुलर शेल, राइट। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो एल की वैल्यू पे डिपेंड करता है ना, कि एन की वैल्यू कितनी है और एल की वैल्यू कितनी है। तो एल की जो वैल्यू होती है वो एन माइनस वन होती है, राइट। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में से एक आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट विल गिव यू द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, राइट। सो जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम है दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट इज 0, एंड इन केस ऑफ सेकंड शेल एल शेल के लिए एस के लिए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और पी के लिए क्या हो जाएगा माइनस एल टू प्लस एल होता है, राइट। क्योंकि यहाँ पर दो एल की वैल्यू हो गई, क्योंकि यहाँ पर क्या था 0 होगा एक 1 होगा, तो ये हो जाएगा एक एस सबसेल होगा और एक पी सबसेल होगा। ये एम एल की वैल्यू माइनस एल टू प्लस एल, माइनस एल 0 और प्लस एल का होता है, तो माइनस 1 हो गया 0 प्लस। उसी तरह से आपने ये सारा डेटा आपने पहले भी कैलकुलेट कर रखते हैं, एम एस की वैल्यू हमें मालूम है, एस की वैल्यू प्लस 1/2 और माइनस 1/2 को, तो ये एस के लिए भी यहाँ पर सारे ऑर्बिटल्स जो सबसेल है उसके लिए दो वैल्यूज एग्जिस्ट करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशंस इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें ये सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू यहाँ पर मालूम है, तो इसके स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन में कुछ इस तरह से करें, राइट। तो इसको प्रॉपर वे में इवन यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है, आपको इवन नोटेशन मालूम है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल, एक किसी पार्टिकुलर शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है, एंड दैट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मुलेशन 2n2। ये कैसे है, नेक्स्ट पेज पे ये फॉर्मुलेशन मैंने रिप्रेजेंट करना है। तो इस फॉर्मुलेशन से आप बता सकते हैं कि किसी पार्टिकुलर शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में फर्स्ट शेल की बात करें, तो यानी फर्स्ट शेल यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी फर्स्ट शेल के लिए, n इज इक्वल टू 1। तो n इज इक्वल टू 1 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 2, यानी कि फर्स्ट शेल में जो फर्स्ट ऑर्बिट्स जिसको हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स इमेजिन कर रहे थे पहले सीरीज से पढ़ रहे थे, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, राइट। अब दूसरे ऑर्बिट्स में दूसरे यानी कि शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, यानी कि दूसरे जब शेल की बात करेंगे यानी कि दूसरा शेल n = 2 यानी कि l शेल, राइट। तो n = 2 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 into 2 का स्क्वायर यानी कि 8 हो गया, यानी कि जो सेकंड शेल है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है, राइट। इसी तरह से हम थर्ड शेल की फोर्थ शेल की वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो फोर्थ वन जो सेल होगा के एल एम एन, राइट, तो फोर्थ यहाँ पर रिप्रेजेंट है, तो उसको आप नो डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर 0, 1, 2 जी एल की वैल्यू होगी, शेल यहाँ पर एम हो गया, और ये सब सेल एस पी डी एफ तीन एग्जिस्ट करेगा, राइट। और ये एम एल की वैल्यू ये हम इस तरह से लिख लेंगे माइनस एल टू प्लस एल बिटवीन 0 भी आएगा, और ये एम एस की वैल्यू हो जाएगा मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशंस, यहाँ पर ये 18 कैसे आया, राइट। तो सिंपल हमने कौन से सेल की बात किए थे, थर्ड सेल की बात किए थे, थर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स की बात किए थे, तो उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है 3 होता है। तो जो फॉर्मुलेशन था वो 2n² था, तो 2 × 3 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 2 × 9 दैट इज इक्वल टू 18, राइट।
राइट, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड शेल दैट इज 18। तो इसी तरह से आप फोर्थ का कैलकुलेट कर लेंगे, दैट विल गिव यू 30। ये ध्यान रखिएगा के एल एम एन जो शेल है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट इज 2, 8, 18 and 32 इलेक्ट्रॉन्स या मैक्सिमम उसमें एग्जिस्ट कर सकते हैं, राइट। अब हम हमने कह दिया कि ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है और ये 18 इलेक्ट्रॉन्स है या फिर फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स है, क्या वो सिंगल एक ऑर्बिट्स में जिसको हम शेल कह रहे हैं उसमें एग्जिस्ट करता है? नहीं, ये 32 इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें ये फोर्थ शेल में, तो वहां पर हम बात करेंगे उस SPDF यानी कि सब सेल SPDF टुगेदर, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब सेल, राइट। तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से यानी कि प्रॉपर उसका जो रूल है उससे हम इस 32 इलेक्ट्रॉन को उस एस सब ऑर्बिटल्स में, पी सब ऑर्बिटल्स में, डी और सब ऑर्बिटल्स में या सब सेल्स में कह सकते हैं और एफ में ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो बेसिक इवन ये भी मालूम है कि मैक्सिमम एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, पी में 6 हो सकते हैं, डी में 10 हो सकते हैं और एफ में 14 हो सकते हैं, राइट। तो ये भी ध्यान रखिएगा और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई होप आता है, राइट। ऐसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको बॉदर करेंगे कि किस तरह से हम कन्फिगर करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टिकुलर सबसेल्स में, राइट। सो दैट कि हम लोग हीलियम या फिर किसी मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एग्जाम्पल जो स्टडी करें तो उसमें वो मदद करता है, राइट। तो यहाँ पर आप ये फॉर्मुलेशन कैसे है यहाँ पर एक बार देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस सबको नोट कर सकते हैं, राइट। ये फॉर्मुलेशन जो मैंने 2n² यहाँ पर यूज किया, दैट इज बेसिकली द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 2 × 12+1 दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिसिटी, right, and that can be calculated by this formulation. The total number of electrons for principal quantum number n, that can be calculated with the help of this formulation, right. So its value 2n², right. So ye directly hum use kar lete hain, isme confusion nahi diyega ki nahi ki ye 2 18 2 8 18 32 ke alawa bhi kuch hota hai, ye fix rehna hai, right. Aap kisi bhi principal quantum number mein ye fix rehna hai, right. ये वैल्यू मतलब फर्स्ट के लिए फिक्स रहेगा, सेकंड के लिए 8 रहेगा, ऐसा नहीं कि उसमें चेंज हो रहा है। फिक्स इन द सेंस कि मतलब हम 8 की जगह 10 नहीं कह सकते हैं सेकंड शेल में, है ना। और थर्ड शेल में 18 की जगह हम 32 नहीं बात कर सकते हैं, वो 18 ही रहेगा मैक्सिमम, मिनिमम वहां पर कुछ भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक एटम्स, जिस एटम्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो है ना कि हमने हीलियम की बात की है और हीलियम में तो जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सेकंड शेल की हम बात ही नहीं कर सकते हैं, 1s2 में कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो इसलिए हम ये यहाँ पर इसके रिगार्डिंग आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। तो इवन ने यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया गया है, आप देख सकते हैं फर्स्ट पीरियड में जो एलिमेंट्स है दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन क्या होगा, 1s1 और इसका जो हीलियम का होगा दैट इज 1s2। तो यहाँ पर जस्ट जो दो टर्म हम लोगों ने बॉदर किया कि व्हाट इज द शेल एंड सब सेल, उसको यहाँ पर समझ लेते हैं और उस दो इलेक्ट्रॉन को किस तरह से उस एटॉमिक सिस्टम के अंदर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, दैट इज फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नो डाउट, राइट। तो दिस 1 रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, राइट, दिस 1 रिप्रेजेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आइदर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं या हीलियम की बात कर रहे हैं, जो एटॉमिक सिस्टम था ये न्यूक्लियस हो गया सेंटर में, उसका जो फर्स्ट ऑर्बिट है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं तो वहां पर हाइड्रोजन एटम में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था इस n=1 पे, राइट। और इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन है नहीं प्लीज यहाँ पर n=1 में, यानी कि ये जो के शेल है इस के शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन एक्सिस्ट करेगा और उसकी फिजिक्स हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस के, राइट। बट उसी कॉन्सेप्ट को हम मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उसकी एटॉमिक जो नंबर है उसको कंसीडर करें, राइट। तो यहाँ पर जो हीलियम की बात करें
तो ये भी फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, राइट, एन इज इक्वल टू वन रिप्रेजेंट हो रहा है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन से उत्तर करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन को हमने फर्स्ट ऑर्बिट में इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। अभी दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऑर्बिट्स में तो रिप्रेजेंट कर दिए, लेकिन अब इस बेसिकली आप ये सब एनर्जी लेवल्स में एग्जिस्ट करते हैं। अब आइदर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आइदर वो हाइड्रोजन हो या हीलियम हो, दोनों के केसेस में जो सब सेल्स है वो एस है, स्मॉल एस, राइट। तो जो सब एनर्जी लेवल ये कह सकते हैं या फिर सब सेल्स कह सकते हैं, वो एस में हाइड्रोजन के केस में एस में वन इलेक्ट्रॉन है, राइट, और हीलियम के केस में एस ऑर्बिट में टू इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो यानी कि ये कह सकते हैं कि अगर ये एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ये जो सब एनर्जी लेवल है, जो सब सेल है, ये फिर चेंज हो जाएंगे। ये ध्यान रखना है कि इसमें एस में दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम लिथियम की बात कर लें तो ऐसा नहीं कि हम एस में थ्री में सब एनर्जी लेवल में थ्री इसमें हम एकोमोडेट कर सकते हैं। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि एस में टू और पी में मैक्सिमम सिक्स, बी में टेन और एफ में फोर्टीन, राइट। मे बी आपको इससे ज्यादा भी नॉलेज हो सकता है केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हमें यहाँ पर जस्ट फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही यहाँ पर बॉडर करना है, राइट। इवन देखो यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशंस, तो ये तो बहुत डिटेल में आपने पढ़ रखे हैं और इसको आप प्रिंट कर रखे हैं। यहाँ पर उसे स्टेट्स को प्रिंट किया गया है, राइट, प्रीवियस वाले स्लाइड में नहीं था। तो वन एस वन बाई टू एस पी डी एफ जो हमने यहाँ पर टर्म्स को रिप्रेजेंट किया, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और ये जे की वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पर इसका ज्यादा मैं बॉडर नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक तो और यहाँ पर इसको एक बार चेकआउट कर लीजिए। तो एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड दैट इज लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियॉन, राइट। तो उनका किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, ये सब सारा कुछ आते ही आपको। एंड थर्ड पीरियड द एलिमेंट्स इन थर्ड पीरियड दैट इज सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, इंडियम एंड एल्युमिनियम, और इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया, राइट। तो एक बार इससे गो थ्रू हो लीजिएगा, सेल क्या होता है और सब क्या होते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, क्या फॉर्मुलेशन होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एक्युमुलेट हो सकते हैं, राइट। और फिर हम लोग फिर डिस्कस करेंगे हीलियम एटम को, दैट इज द एग्जांपल ऑफ मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। उस हीलियम एटम में, क्योंकि हमने कह दिया कि हीलियम एटम है और हीलियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस फर्स्ट जो क्या कहते हैं, ये अगर न्यूक्लियस हो गया तो ये फर्स्ट जो ऑर्बिट है n इक्वल टू 1 में उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स है। अभी तक हम लोगों ने जो फिजिक्स पढ़े थे वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए फिजिक्स पढ़े थे, अब जो बॉर्डरेशन होगा वो मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बॉर्डरेशन होगा, राइट। कि अगर किसी सिस्टम में दो इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट्स में सबसेल्स में प्रेजेंट है तो उसकी फिजिक्स क्या होगी, राइट। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बॉर्डर करेंगे कि किस तरह से वो इंटरेक्ट करते हैं, उनकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी होगी, उनकी एक्साइटेड स्टेट एनर्जी कितनी होगी। हीलियम की बहुत ही सिंपली हम लोगों ने डेरिवेशन कर रखे हैं, उसी के हेल्प से हाइड्रोजन के केस में जो ड्राइव कर रखे हैं फॉर्मेशन उससे, राइट। तो इसमें कोई डाउट्स होगा तो आप पूछ सकते हैं।